वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से हम किसी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की या वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हीलियम एंड लिथियम आयन इन जूल पर एटम। तो जूल पर एटम में जब एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की वेरियस शेल्स में, तो फॉर्मूला क्या होता है, -2.18 इंटू 10^-9 जूल, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो अब हाइड्रोजन के केस में देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हमें एनर्जी निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट की, तो एन की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो ई एन के केस में अगर हम निकालें तो -2.18 इंटू 10^-18 जेड की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और एन की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 का भी क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर फाइनली क्या जाएगा, -2.18 इंटू 10^-18 जूल पर एटम। क्लियर है? इसी तरह से देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाली, हाइड्रोजन के सॉरी हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट की निकालिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और हमें फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। तो देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एन -2.18 इंटू 10^-18 इंटू जेड, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 है ना, अपॉन 1, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे आंसर तो ये क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 8 32, 3 करिए और 4 1 4 3 7 और 4 2 8, तो ये हो जाएगा -8.72 इंटू 10^-18 जूल पर एटम। तो आई होप थर्ड वाले के लिए आप खुद वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप थर्ड वाले के आंसर निकाल करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। अब देखिए क्या है, हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेडियस निकालनी है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है एच ई प्लस की और सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है लिथियम प्लस की। क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर आर एन स्क्वायर टू रेडियस का फॉर्मूला होता है पीकोमीटर में, एन स्क्वायर इंटू 5 2.9 अपॉन जेड, जहाँ पर एन नंबर ऑफ शेल है और जेड क्या एटॉमिक नंबर है। अगर आप देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्बिट की निकाल ली हीलियम की, तो हीलियम प्लस के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है क्या, 2। तो अगर आप आर एन की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 5 2.9 अपॉन 2 पीकोमीटर। तो अब 2 से डिवाइड कर दिए इसको, 1 स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 बचा, 2 6 ज़ा 8 है, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 2 6.45 पीकोमीटर, ऐसे आ गया। अब लिथियम के लिए आप देखिए, लिथियम के लिए वैल्यू क्या होगी, लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट की निकालनी, तो एन की वैल्यू हो गई 2 और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसके लिए आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हमें इसका आंसर जो है वो किस में भेजेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है आप हमें कैलकुलेट करके भेजेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर आप देखिए, हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, 1, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 2, और थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना, और जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन है तो 1, यहाँ पर भी जेड की वैल्यू क्या होगी, 1, और यहाँ पर भी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम है। अब आपको क्या करना है, हमें रेडियस निकालनी, रेडियस का फॉर्मूला जो है यहाँ पर दिया हुआ है, आर एन 0.529 एन स्क्वायर जेड एंगस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है,
तो अब अगर आप क्या करें, पहले वाले के लिए हम वैल्यू रख के दे रहे हैं 0.529 इंटू एन की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के लिए आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे रेडियस की और हमें बताएंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड किए हैं, तो आप उनको सॉल्व करें और सॉल्यूशन हमारे पास भेजें। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।